बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू केल्विन एंड सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट, सेंटीग्रेड और सेल्सियस। सेंटीग्रेड इसका पुराना नाम था, इसको अब सेल्सियस भी कहा जाता है। तो ये कन्वर्जन कैसे होती है? कोई भी चीज़ जब सेंटीग्रेड या सेल्सियस किसे डिनोट होता है? डिग्री सेल्सियस। कोई भी डिग्री सेल्सियस होगा, कोई भी टेम्परेचर हमारे पास होगा, जब वो 273 से ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन में जाने के लिए इसको 273 में ऐड होना होगा, ठीक है। केल्विन के से डिनोट होगा। कोई टेम्परेचर देख लेते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो कैसे करूँगी? 20 डिग्री सेल्सियस की जगह आ जाएगा प्लस 273 के, वी गेट 293 के। इसी तरह फारेनहाइट में हम कैसे चेंज करते हैं? फारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कोई भी डिग्री सेल्सियस हो उसको मैं 0 से इसलिए डिनोट कर रही हूँ फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड हो सके, इनटू 9/5 ब्रैकेट्स प्लस 32, ये फॉर्मूला लगेगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारे पास क्या टेम्परेचर हो जाएगा? 32 फारेनहाइट। लेट्स सपोज आवर टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। देन मल्टीप्लीकेशन होगी फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें पता है डेमैस रूल के, बॉड मैस रूल के मुताबिक पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम मैथ रूल अप्लाई करते हैं। और इंटू 9 36 बाय 5 प्लस 32, एलसीएम लेंगे हम 32 इंटू 5, और यहाँ बेस सेम है, एंड 32 इंटू 5 वी गेट 160। देन दिस इज द वन, ओके, 160 प्लस 36 वी गेट 196 बाय 5। इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इसको आप फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट कहेंगे। आपको समझ आ गया कि आज हमने क्या सीखा? सेल्सियस से केल्विन में जाना और सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।